गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जनसंचार माध्यम में अब हम अपनी छठवें वीडियो में पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों का विकास किस तरह से हुआ। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में हमारे पास मौजूद है उसकी प्रेरणा हमें भले ही पश्चिमी देशों से मिली हो, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज प्राचीन काल के मिथकी पात्रों में खोजे जाते हैं और देवऋषि नारद को भारत का सबसे पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु का काम करते थे। उसी तरह हम महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने के लिए, उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह से संजय की परिकल्पना की गई है, वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर संकेत करती है। महाभारत काल में संजय था, रानी गांधारी और धृतराष्ट्र को युद्ध का लय दिखा देते थे, यह भी प्राचीन काल में संचार व्यवस्था थी। दूसरी तरफ जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा के संदेश को जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में स्थायी महत्व के संदेशों के लिए शिलालेख होते थे पत्थरों पर। ये राजा अपने संदेशों को लिखा देते थे, कच्ची स्याही से या रंगों से संदेश लिखे जाते थे, तो इस सबसे भी मजबूत संचार व्यवस्था की ओर संकेत होता है। ये सब क्यों किया जाता था? जो शासकों के संदेश होते थे वो संदेश जनता तक पहुंच जाए। लेकिन भारतीय संचार व्यवस्था की खूबी यही ये भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी हुई व्यवस्था मौजूद रही है। लोक माध्यमों के जरिए भी संदेश जनता तक पहुंचाए जाते हैं। इसके संकेत हमें प्रागैतिहासिक काल में दिखाई देते हैं, प्राचीन इतिहास में भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं जो लोक नाटकों के माध्यम से संदेश दिए जाते थे, उनमें लोक नाटक होते थे, वाउल, कथावाचन, सांग, तमाशा, लावनी, रागनी, नौटंकी, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान, इन लोकगीतों का विशेष महत्व था। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत बनाने का काम भी ये लोग करते थे। लेकिन संचार के जो आधुनिक माध्यमों के रूप आज हमारे यहां हैं, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। जो आधुनिक संचार माध्यम है वह समाचार पत्र हो या रेडियो हो, इंटरनेट हो या टेलीविजन हो, सभी माध्यम पश्चिमी देशों से ही आए हैं। हमने आरंभ में उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया जिस रूप में वो पश्चिम में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के अंग बन गए, चाहे फिल्म में हो या टेलीविजन सीरियल। एक वक्त के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से प्रचलित परिचालित होने लगे थे, भारतीय परंपरा के अनुरूप उन पर कार्यक्रम आने लगे थे। इसलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु पूरी तरह से भारतीय ही है। बस इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अपनी छठवीं वीडियो में, सातवीं वीडियो में यहां से आगे पढ़ेंगे समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो जनसंचार माध्यम है। थैंक यू, धन्यवाद।